नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। सभी जनपद वासियों को सदर विधायक ललितपुर राम रतन कुशवाहा एवं भाजपा नेता श्रीकांत कुशवाहा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ललितपुर के सिविल लाइन में स्थित जमील सर स्पोर्ट्स अकेडमी पर 3 दिन से बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन आज स्वतंत्रता दिवस पर हो गया। समापन कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष हेमंत जैन रोड़ा एवं नेहरू महाविद्यालय ललितपुर के समाज शास्त्र के प्रवक्ता सुभाष जैन मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों ने अभिभावक तथा अकेडमी के संचालक एवं प्रशिक्षकों और बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही साथ अकेडमी के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की और खेल में और ज़्यादा निखार लाने के लिए प्रेरित किया। 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जूनियर बालिका वर्ग में समृद्धि विश्वकर्मा ने इल्मा खान को 11-8 व 11-7 से हराकर विजय हासिल की। सीनियर बालिका वर्ग में सुरभि पटेल ने नैन्सी भार्गव को 21-11 और 21-9 से हराकर विजय हासिल की। सीनियर बालक वर्ग में रोहित सोनी ने आरजब को सीधे सेटों में 21-15 व 21-14 से हराकर विजय हासिल की। जूनियर बालक वर्ग में शौर्य अग्रवाल ने शौर्य श्रीवास्तव को सीधे सेटों में 21-17 व 21-15 से हराकर विजय हासिल की। सब जूनियर अंडर 9 में अदीवा श्रीवास ने सौम्या राठौर को 11-4 व 11-6 से हराकर विजय हासिल की। जूनियर बालिका वर्ग में 3रे स्थान का पुरस्कार अर्षिका उर्फ एंजल खान को एवं 4थे स्थान का पुरस्कार महक खान को मिला। सीनियर बालिका वर्ग में 3रे स्थान का पुरस्कार महक अहरवार एवं 4थे स्थान का पुरस्कार आध्या मालवीय को मिला। जूनियर बालक वर्ग में 3रे स्थान का पुरस्कार यथार्थ चतुर्वेदी एवं 4थे स्थान का पुरस्कार विकर्ष सिंघई को मिला। सीनियर बालक वर्ग में 3रे स्थान का पुरस्कार अभय सिंह और 4थे स्थान का पुरस्कार शिखर जैन को मिला। मुख्य अतिथि हेमंत जैन रोड़ा ने बच्चों के खेल की सराहना की और अकेडमी संचालक जमील सर को बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। नेहरू महाविद्यालय के प्रवक्ता सुभाष जैन ने बच्चों को आगे खेल के लिए प्रेरित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। अकेडमी के प्रशिक्षक जीशान सर एवं प्रशिक्षिका सुरभि पटेल के कार्यों की प्रशंसा सभी वक्ताओं ने और मुख्य अतिथियों ने की। अंत में मोहम्मद जमील अकेडमी संचालक ने आगंतुक सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया और बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जी, क्या प्रोग्राम था आज अकेडमी में? आज चूंकि हमारे देश की आज़ादी का 76वीं वर्षगांठ एवं 77वां स्वतंत्रता दिवस था, उसके उपलक्ष्य में जमील सर अकेडमी ने एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता का आयोजन किया था जो बहुत शानदार रहा। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चे चूंकि हमारे देश का भविष्य हैं और इस भविष्य को संवारने का कार्य जमील सर अकेडमी बाखूबी निभा रही है, इसलिए वो धन्यवाद की पात्र है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वे हमारे युवाओं को, बच्चों को, इस प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रही है। धन्यवाद। सर, आज क्या प्रोग्राम था बच्चों के? आज जमील सर की स्पोर्ट्स एकेडमी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी लगन और निष्ठा से परिचय हुआ कि किस तरह से उन्होंने ललितपुर की उन युवा बच्चों को एक मार्गदर्शन करके बैडमिंटन के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया। ये बच्चे का प्रदर्शन हमने आज यहाँ देखा, लगा कि आने वाले समय में ये बच्चे इस देश के लिए एक प्रतिभाशाली
खिलाड़ी के रूप में इस देश का सम्मान बढ़ाएंगे और उस सम्मान के साथ हमारे जनपद ललितपुर का भी सम्मान बढ़ेगा। मैं इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस लक्ष्य को और हमारे इस कहे हुए बाग को पूरा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।